नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 दिसंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन की जो पीडीएफ है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरुआत करने वाली है? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि जो लोग सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए, और उसके लिए अब पश्चिम बंगाल की सरकार फ्री एम्बुलेंस सर्विस को स्टार्ट करने वाली है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, पश्चिम बंगाल, और स्टार्टिंग में 150 एम्बुलेंस चलाई जाएंगी। अब बात हुई है इसमें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। पहले आप देखो, कैपिटल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है यह है कलकत्ता। मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। बाउंड्री की बात करें, सिक्किम, आसाम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, इन 5 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। और इसके साथ एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है पश्चिम बंगाल, किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। जिलों की बात करें 23 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीटें, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 294 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, कलकत्ता में इसकी हाईकोर्ट है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? टीबी राधा कृष्णा। देखो, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार आइलैंड की, इन दोनों की जुरिस्डिक्शन कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किसने बहरीन ग्रैंड प्री जीत ली है? तो देखो, अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन, ये कहाँ से हैं? ये ब्रिटेन से हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में ये बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। देखो, इसमें बात हुई है लुइस हैमिल्टन की, ये ब्रिटेन से हैं। अब हम 2020 में जितनी भी फॉर्मूला 1 की ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं उन सभी को देख लेते हैं, उनको किसने जीता है। तो देखो, ये पूरी लिस्ट डाल दी गई है, अभी तक टोटल 15 ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं 2020 में, टोटल 17 होनी है, 15 हो चुकी हैं, और ये पूरी लिस्ट यहाँ पे डाल दी गई है। देखो, ये जो हाईलाइट है ना, जैसे वोल्टेरी बोटास, मैक्स वर्स्टापन, और ये पेरी गैसले, और ये वोल्टेरी बोटास, इन चारों ने सिर्फ इनको जीता है, और जो बची हुई है सारी ग्रैंड प्रिक्स इनको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। तो टोटल आप ये कह सकते हैं 15 में से 11 को तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है अभी तक, आज तक ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है। और देखो, इन सभी के आगे लोकेशन भी दी गई है कि ये किस देश से हैं, जैसे वोल्टेरी बोटास फिनलैंड से हैं, ये मैक्स वर्स्टापन ये नीदरलैंड से हैं, पेरी गैसली ये फ्रांस से हैं, और लुइस हैमिल्टन कहाँ से हैं? ये ब्रिटेन से हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है? तो अभी हाल ही में मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने पेंडेमिक वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है। अच्छा, ये तो क्या है, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने, अभी हमने कुछ क्लास पहले ही पढ़ा था, मतलब 2-3 दिन पहले ही, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन वर्ड को, फिर से बोलता हूँ, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया था। उसी प्रकार से कोलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया था। तो याद रखेगा, तीनों डिक्शनरी ने किस किस वर्ड को 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का ए पेंडेमिक सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ड्रोन किलर किसने विकसित किया है? तो देखो, अभी हाल ही में इंडियन आर्मी और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए DRDO ने ये ड्रोन किलर को विकसित किया है। नाम से जाहिर होता है कि जहां पर इंडियन आर्मी और प्राइम मिनिस्टर इनकी जो भी रैलियां होंगी वहां पर इस ड्रोन को उड़ाया जाएगा, और ये क्या करेगा, जो उस रेंज में दूसरे ड्रोन उड़ रहे हैं उनको ये एड्रेस करेगा, मतलब उन पर पूरी निगरानी रखेगा कि ये किसी प्रकार से नुकसान तो नहीं कर सकते। तो अब बात हुई है इसमें DRDO की, तो DRDO के बारे में जान लेते हैं। देखो, DRDO का पूरा नाम क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली के DRDO भवन में इसका हेडक्वार्टर है। फॉर्म कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और 1958 में ही नासा की भी स्थापना हुई थी, याद रखेगा 1958, डेट इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ये इसके चेयरमैन हैं। कौन से मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं DRDO के लिए? तो देखो, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है अभी, राजनाथ सिंह, ये इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विश्व का सबसे जुड़ा शहर कौन सा है? तो देखो, अभी हाल ही में IATF, ये क्या है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार वर्ल्ड का सबसे मोस्ट कनेक्टेड सिटी ये है शंघाई, और ये शंघाई कहाँ पर है, ये चाइना में है। पहले नंबर पे शंघाई है, दूसरे पे है बीजिंग, और ये देखो दोनों ही शहर
चाइना में स्थित है। अब देखो यहां पर बात हुई है IATF, ये क्या है IATA, ये क्या है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो देखो आज से 75 साल पहले क्यूबा के एक शहर हवाना में 19 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर से बोलता हूँ, आज से 75 साल पहले क्यूबा के एक शहर हवाना में 19 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ये है क्या, ये इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन है। हेडक्वार्टर की बात करें इसके तो देखो कनाडा का जो मॉन्ट्रियल है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। मॉन्ट्रियल ये कहाँ पर है, ये कनाडा में है। और डीजी और सीईओ ये कौन है इसके, विली वॉल्श। फिर से बोलता हूँ, विली वॉल्श इसके सीईओ और डीजी हैं। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, शंघाई विश्व का सबसे मोस्ट कनेक्टेड सिटी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो देखो अभी हाल ही में BSF नाम क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो बात हुई है BSF की, तो BSF की स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1965 को, और अब इसे 56 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए BSF ने अपना ये 56वां फाउंडेशन डे बनाया। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और डायरेक्टर जनरल कौन है, यह है राकेश अस्थाना। गवर्निंग बॉडी कौन सी है इसके लिए, तो देखो गवर्निंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अब देखो BSF ये एक तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इन दोनों पर ये निगरानी करता है। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत की सुरक्षा के लिए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, इन दोनों बॉर्डर पर ये तैनात रहती है BSF। तो याद रखेगा 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। बोरिंग मेडिकल कॉलेज किस शहर में स्थित है, देखो ये न्यूज में क्यों है ये जान लेते हैं पहले। अभी हाल ही में ये बोरिंग मेडिकल कॉलेज जो है इसका नाम बदलकर अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रख दिया गया है। अब ये कहां पर है, ये कर्नाटक के बैंगलोर में स्थित है। अब देखो बात हुई है बैंगलोर की, बैंगलोर कहां पर है, कर्नाटका में। तो कर्नाटका की कैपिटल क्या है, कैपिटल है इसकी बैंगलोर। मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। गवर्नर की बात करें वाजुभाई वाला। बाउंड्री की बात करें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा, इन 6 राज्यों के साथ कर्नाटका की सीमा लगती है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें 31 जिले हैं, लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75 सीटें। देखो एक जिला तो इसका अभी बना है, उसे मिलाकर हो गए हैं अब 31 जिले। हाईकोर्ट की बात करें बैंगलोर में इसकी हाईकोर्ट है, और मुख्य न्यायाधीश कौन है, अभय श्रीनिवास ओका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने डी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो देखो अभी हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने आपातकालीन स्थितियों से मतलब उनसे निपटने के लिए ये डी ऐप, ये जो डी मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, तमिलनाडु राज्य में कोई भी इमरजेंसी आती है या आपातकालीन स्थिति बनती है, जैसे कहीं पे आग लग जाती है या फिर रेस्क्यू करना हो, तो वहाँ की जो दुर्घटना है मतलब इसको इस ऐप पर डाल दिया जाएगा, मतलब जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, और जल्द से जल्द तमिलनाडु की सरकार जो मतलब एक टीम गठित करेगी, उस टीम के माध्यम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो याद रखेगा इस डी ऐप को जो कि आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए है, इसे तमिलनाडु की सरकार ने लॉन्च किया है। अब बात हुई है इसमें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, तमिलनाडु की देखो जो कैपिटल है यह है चेन्नई। मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री है इदप्पड़ी के पलानीस्वामी। बनवारीलाल पुरोहित गवर्नर है आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, 3 राज्यों के साथ तमिलनाडु की सीमा लगती है। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीटें, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें चेन्नई में हाईकोर्ट है, और अमरेश्वर प्रताप शाही यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। किस भारतीय को ICC प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है, तो अभी हाल ही में विराट कोहली को ICC प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अब बात हुई है देखो विराट कोहली की, विराट कोहली अभी हाल ही में इंटरनेशनल 22,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले सब फास्टर प्लेयर बन गए हैं, ये भी आप याद रखेगा, ये भी न्यूज़ में थे, और ICC प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इनका नाम नामित किया गया है विराट कोहली का। बात हुई है इसमें ICC की, इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करें तो यूएई के एक शहर दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडेड की बात करें मतलब इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो आज से 111 साल पहले 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। चेयरमैन कौन है, अभी हाल ही में इसके नए चेयरमैन बने हैं, नाम क्या है, ग्रेग बार्कले।
ये न्यूजीलैंड से हैं। फिर से बोलता हूँ, इसके हाल ही में नए चेयरमैन बने हैं, नाम क्या है? ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। किस देश में भारतीय मूल के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा ने संस्कृत में शपथ लेकर इतिहास रचा है? तो देखो अभी हाल ही में कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। ये भारतीय मूल के सांसद, नाम क्या है? डॉक्टर गौरव शर्मा। इन्होंने संस्कृत में शपथ लेकर एक इतिहास रचा है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, न्यूजीलैंड। अब बात हुई है न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की लोकेशन देखिए पहले आप। देखो यहाँ पर पैसिफिक ओशन में न्यूजीलैंड है। कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। ये तो ऊपर ऑस्ट्रेलिया है और नीचे है ये तास्मानिया, इनके बीच में यहाँ पर एक स्टेट है, इस स्टेट का नाम क्या है? आप ये बताइए। इस स्टेट का नाम है बास स्टेट। एक बार ये एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया इन दोनों के बीच में जो स्टेट है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बास स्टेट। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत ने वियतनाम के साथ हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो बात हुई इसमें वियतनाम की, तो वियतनाम की लोकेशन देखें पहले आप। देखो वियतनाम की लोकेशन है ये। कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है यहाँ पर ये हनोई। इसकी बाउंड्री समुद्र के साथ टच होती है, ये आप देख लीजिए मैप में। अब देखो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया, ये इधर म्यांमार है और इधर है वियतनाम। कौन सा देश ऐसा है जिसकी बाउंड्री समुद्र के साथ टच नहीं होती है? तो देखो इस पिक्चर में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है लाओस। ये इकलौता देश है इस लोकेशन में जो कि लैंड लॉक्ड है, मतलब चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। इसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है, तो लाओस इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो याद रखेगा इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।